सूरज की गर्मी को जरूरत से ज्यादा सोख रही है धरती। हाल ही में नासा ने दावा किया है कि पृथ्वी सूरज की गर्मी को जरूरत से ज्यादा अवशोषित करने लगी है। इससे तापमान में वृद्धि और समुद्र का जल स्तर बढ़ा है। नासा के क्लाउड एंड द अर्थ रेडिएंट एनर्जी सिस्टम और एनर्जी बैलेंस्ड एंड फील्ड के डाटा से जानकारी सामने आई है। वर्ष 2023 के दौरान पृथ्वी के अवशोषित सौर विकिरण में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखे गए हैं। फरवरी मार्च और दिसंबर 2023 में इसमें वृद्धि हुई है। डाटा का विश्लेषण पृथ्वी की ऊर्जा में असंतुलन में चल रहे परिवर्तनों के बारे में जानकारी देता है। डाटा के मुताबिक पिछले वर्ष की शुरुआत पृथ्वी के सौर विकिरण में तेज वृद्धि के साथ हुई है। फरवरी में 3.9 वोल्ट प्रति वर्ग पर पहुंच चुकी है और मार्च में यह बढ़कर 6.2 वोल्ट प्रति मीटर हो गया है। इस डाटा से पता चलता है कि सूर्य की किरण पृथ्वी अधिक अवशोषित कर रहा है। मानते चले कि ऊर्जा असंतुलन के कारण दक्षिण एशिया, अफ्रीका देशों के तापमान में वृद्धि होगी। ऐसे में डाटा सामने आया है कि नासा ने वर्ष 2000 से 2023 तक की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011, 17, 22 और 2023 में अवशोषित सौर विकिरण की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे तथ्य साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि सूर्य की किरण जरूरत से ज्यादा सोख रही है धरती। मेरे साथ ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए वी युवा। मैं श्वेता मिश्रा, कैमरामैन रवि मिश्रा के साथ।